पाकिस्तान सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए मशहूर अर्थशास्त्री आतिफ मियां का नवगठित आर्थिक पैनल के सदस्य के तौर पर नामांकन वापस ले लिया। आतिफ मियां अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सरकार ने आर्थिक सलाहकार पद के लिए मियां के नामांकन का बचाव करते हुए साफ शब्दों में कहा था कि वे कट्टरपंथियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। नामांकन वापस लेने की पुष्टि करते हुए संचार मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि सामाजिक स्तर पर किसी भी तरह के बंटवारे से बचने के लिए सरकार ने ईएसी के लिए मियां का नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान में अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित किया गया है और उनकी मान्यताओं को कई प्रमुख इस्लामिक स्कूलों में ईश निंदा माना जाता है। अक्सर कट्टरपंथी उनको निशाना बनाते रहे हैं और उनके धार्मिक स्थलों पर भी तोड़ फोड़ की जाती रही है। मियां को हाल ही में 18 सदस्यीय ईएसी के सदस्य के तौर पर नामित किया गया था। शीर्ष 25 सबसे प्रतिभाशाली युवा अर्थशास्त्री की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सूची में शामिल ये अकेले पाकिस्तानी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से शिक्षित आतिफ मियां प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और पाकिस्तानी अमेरिकी हैं।